यार मेरे हॉस्टल रूम में कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। बाली में एक महाभारत का युद्ध का दृश्य है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ हो ची मिन्ह एयरपोर्ट पे, यहाँ से फ्लाइट ले रहा हूँ बाली के लिए। वियतनाम में मेरा आखिरी दिन है। यहाँ का मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ। ये तो बड़ा एयरपोर्ट है, हालांकि हनोई का एयरपोर्ट बहुत छोटा था, मतलब कंपेयर टू हनोई ज़्यादा बड़ा है। मेरी फ़्लाइट है बीएस जेट की, हालांकि मैंने अभी तक इमिग्रेशन नहीं करवाया, मैंने टिकट बोर्डिंग पास बनवा लिया है, जाके इमिग्रेशन कराते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये भी वियतनाम में आखिरी समय, यहाँ से मैं जा रहा हूँ बाली। मेरी फ़्लाइट है लगभग 12:45 में, जो पहुँचाएगी लगभग बाली के टाइम से 4:45 के आसपास पहुँचाएगी। इमिग्रेशन क्या कुछ पूछा नहीं, मतलब काफ़ी स्मूथ था। आने समय भी नहीं पूछा, इस समय भी कुछ नहीं पूछा, पासपोर्ट देखा और स्टंप लगा दिया बस, और कुछ नहीं चेक किया। मेरी बस जो है आ गई है, मैं अब जाना है बैठने के लिए बस पे। फाइनली जो है बाली पहुंच गए, काफ़ी स्मूथ इमिग्रेशन था भाई। पहले जो पेमेंट इन्होंने पहले लेते हैं, वीजा का पेमेंट पहले हो गया। इमिग्रेशन काउंटर पे सिर्फ उन्होंने पूछा कि कितने दिन रुकना है बाली में, मतलब इमिग्रेशन में कहाँ कहाँ जाओगे, बस इतना पूछा। और रिटर्न टिकट ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने बोला कि कितने दिन तक आप रुकोगे यहाँ पे, तो मैंने बोला कि 30 दिन तक रुकूंगा। उन्होंने बोला कि किस पर्पज़ से आए हो, तो मैंने बोला टूरिज्म पर्पज़ से। बोले क्या कहाँ कहाँ जाओगे, तो मैंने बोला कि जावा जाऊँगा और बाली जाऊँगा। तो ये दो जगह था और कुछ पूछा नहीं, बस उन्होंने स्टिकर लगा दिया। स्टिकर भैया यहाँ पे मतलब 30 दिनों का मिल गया, लगभग पड़ गया $33 पड़ गया। पेमेंट आप कार्ड से भी कर सकते हो, ताकि 2% एक्स्ट्रा लगेगा। काफ़ी स्मूथ था प्रोसेस। वीज़ा लेने के बाद एक काम और करना आपको पड़ेगा, वो ई कस्टम करके एक QR कोड दिया था, आप वहाँ से भर सकते हैं। अब उसको अप्लाई करने के बाद ही आपको वो निकल रहा है, उसमें कुछ भरना नहीं होता, उसमें सिर्फ नाम बना होता है, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, किस फ्लैट से आए हो, कहाँ का नेशनलिटी, बैग कितना बैगेज है, बस इतना ही कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ बाली एयरपोर्ट। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है क्या यहाँ पे, पता करते हैं क्या है। सिम कार्ड भी यहाँ पे है। या हाउ मच फॉर वन मंथ या ओनली जावा। ओह दैट वन टाइम डाटा या ओके फॉर वन मंथ। हाउ मच इन डॉलर? $65. ओके थैंक यू। तो सिम कार्ड मैं नहीं ले रहा हूँ, हालांकि मनी एक्सचेंज करवा लेना था, थोड़ा सा पैसा चाहिए मेरे पास। यहाँ पे लोग मैं टैक्सी के लिए सब लाइन लगे हुए, मैं बाहर निकलता हूँ पहले, देखता हूँ कहाँ पे है, हालांकि मैं हॉस्टल से पास में ही है। बनाया सुंदर सा गया, हालांकि छोटा ही एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से तो बाहर निकल गया, लेकिन मेरा जो हॉस्टल है पास में ही है, यहाँ 1.3 किलोमीटर दिखा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ पैदल जाता हूँ, ज़्यादा दूर है नहीं तो मैं पैदल ही निकलूँगा। और कुछ इस तरीके से बाहर है, हालांकि यहाँ बस भी है, जिनको मतलब दूर जाना होता है वो बस से भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये वाला इजिट है, यहाँ से लेके अब बाहर कैब बहुत सारा मिल जाता है, ग्रैब यहाँ चलता है, तो आप ग्रैब से भी जा सकते हो। मैंने सिम कार्ड यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि यार यहाँ बहुत महंगा पड़ा था, लगभग 1000 रुपये का सब पड़ा था, 1000 रुपये ज़्यादा ही पड़ा था, तो मैं लिया नहीं। मैं सोच रहा हूँ बाहर जाऊँगा तो लूँगा,
पास में ही है, तो मैंने मैप में लोकेशन लगा दिया है और मैं पैदल चल के जाता हूँ। हालांकि शाम हो रहा है, वहाँ से पास में था, 1.3 किलोमीटर दूर था मेरा जो हॉस्टल है नुका बीच इन, तो मैं पैदल ही आ गया। टेंपल टाइप का लग रहा है। मेरे हॉस्टल रूम में कोई है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। 6 बेड का हॉस्टल है, मैं दिखाता हूँ कैसा है। ये मेरा हॉस्टल रूम, बेड मेरा एक नंबर है, कोई भी नहीं है, रात से ही कोई नहीं आया, तो मैं अकेला ही हूँ। बाथरूम भी है, ठीक ठाक ही हॉस्टल है। हॉस्टल का जो आउटडोर है ना, काफ़ी अच्छा, स्विमिंग पूल भी है। हालांकि मैंने अभी तक स्विमिंग नहीं किया, बट काफ़ी ठीक ठाक है। बाहर बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है। कल रात में आके मैं सो गया, तो कुछ करने को था नहीं। मैंने अभी तक सिम कार्ड भी लिया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ बाहर निकल के सिम कार्ड लेता हूँ। अभी मैं सिम कार्ड लेने के लिए आया था, यहाँ पे एक सिनेपोलिस मॉल है बगल में ही है, मेरे हॉस्टल से लगभग 400 मीटर दूर पर था, तो मैं वहाँ पर आया हूँ। आई वॉन्ट सिम कार्ड। एक्चुअली जो सिम कार्ड है थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है, लगभग 2,50,000 का है, तो लगभग 1,300 का अराउंड पड़ जाएगा, तो मुझे लग रहा है 1,300 में बस 25 GB मिलेगा, तो मुझे कॉस्टली लग रहा है भाई। मैं देखता हूँ मार्केट में कहीं पता करता हूँ, मॉल ये मॉल था मतलब मार्केट में तो सस्ता मिलेगा। एक दूसरी दुकान पे आया था बट यहाँ तो उससे भी कॉस्टली है भाई। वहाँ 22 GB 250 मतलब 2,50,000 मिल रहा था, 25 GB यहाँ पे 22 GB 275 में मिल रहा है। यहाँ पर सिम कार्ड काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जहाँ भी जाओ महंगा ही है, लगभग 1,300 का उसमें पड़ रहा है, तो 1,000 से 1,300 का उसमें पड़ रहा है। तो मैं दूसरे दुकान में अभी इंटरनेट पे मैंने सर्च किया, तो वहाँ पे रिकमेंड किया था, वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता है, तो मैं जा रहा हूँ कितना सस्ता मैं देखता हूँ एक बार। यार यहाँ पर सिम महंगा ही पड़ रहा है, तो फाइनली जगह सिम मिल गया है, लगभग 2,00,000 इंडोनेशिया रुपये में पड़ा है, 1,200 का उसमें पड़ गया, ना कि 25 GB का डाटा मिला है। और यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, सिम जो है लिमिटेड एरिया के लिए डाटा मिलता है, मतलब बहुत सा सिम है जो सिर्फ आपको बाली में ही काम करेगा, और बाली के बाहर बहुत 1-2 GB का ही डाटा मिलता है। आप लेने से पहले पता करना पड़ेगा कि अगर सिर्फ बाली में रुकना है तो ठीक है, अगर बाहर निकलना है और भी दूसरे आने में जाना है तो वो सिम लेना पड़ेगा जो दोनों जगह काम करता है, वो सिस्टम महंगा पड़ता है। यहाँ पर 2 कंपनी था, ये एक्सेल था, एक टेलीकॉम सेल था, तो मैंने टेलीकॉम सेल का लिया है, ये वाला 25 GB डाटा 25 मिनट कॉल भी है। या ये टेलीकॉम सेल एक्टिवेट नहीं हो पाया, तो मैं ले रहा हूँ एक्सेल का सिम, हालांकि 19 GB का ले रहा हूँ, काफ़ी है मुझे लगता है कि एक महीना के लिए। बोलते नहीं 1,50,000 में देंगे, मैं सोच रहा हूँ कुछ और कम करवाएंगे। I think this is good price because if another people I sell 175 लगभग 1,50,000 इंडोनेशियन रुपया में पड़ा, तो लगभग पड़ गया 800-900 का, तो पड़ गया इतना बड़ा नोट है ना कि सब कैलकुलेशन करने में दिमाग खराब हो जाता है, तो मैं डाल दूँगा कितना पड़ा है। काफ़ी ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे थे कि मतलब आप यहाँ पे आते तो एयरपोर्ट पे भी आपको पहले से, मैं यहाँ पे इनका नंबर दे दूँगा, अगर आपको चाहिए पहले से तो आपको एयरपोर्ट पे डिलीवर कर देंगे, चाहे होटल में डिलीवर कर देंगे। तो मैं इनका व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जस्ट चेक मी एंड आई विल रिप्लाई। या ओके ओके देन बाय, सी यू इन बाली। ये मूर्ति घटोत्कच की है और ये बाली में एयरपोर्ट के पास में इसको एक बड़ा सा वाइट कलर का मूर्ति में दर्शाया गया है, ये हालांकि एक महाभारत का युद्ध का दृश्य है। Thank you.
यहाँ लाके सनसेट काफ़ी फेमस है, तो अभी सनसेट हो रहा है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सनसेट यहाँ का। 4-5 मिनट में सनसेट हो ही जाएगा। बाली का जो एयरपोर्ट है ना सामने ही है, बीच काफ़ी बड़ा है।